हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियोस में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं कि किस तरीके से हमें सैलरीड सेल्फ-एम्प्लॉयड के लिए जो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करने होते हैं किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी लेने से पहले, किसी भी लेंडर से या बैंक से या NBFC से पहले। देखिए, कोई भी लोन की फाइल चार सेगमेंट में डिवाइड होती है, जो मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। पहला सेगमेंट होता है आपका KYC का, दूसरा सेगमेंट होता है आपका फाइनेंशियल्स का, तीसरा सेगमेंट होता है आपका बैंकिंग का और चौथा सेगमेंट होता है आपका प्रॉपर्टी के पेपर्स का। इन चार सेगमेंट में ही आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन इसी में ही डिवाइड होती है। KYC के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, OVD के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के बारे में मैं पहले की वीडियोज़ में जानकारी दे चुका हूँ। आप चाहें तो वो पुरानी वीडियोज़ से जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियोस में मैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है किसी भी लोन की फाइल को बनाने के लिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट हमें देने हैं, प्रिपेयर करने हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब आप कभी लोन लेने जाएँ या कभी लोन की फाइल प्रिपेयर करें तो आपको ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, या आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स उस लेवल पर प्रिपेयर हो सकते हैं जिसमें मुझे लोन मिल पाए या नहीं। तो ये जानकारी जब आपके पास होगी तो जानकारी ही बचाव है। तो आइए देखते हैं, जल्दी से स्लाइड की तरफ चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और वो कितने और किस लेवल तक हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर किसी को लोन लेने जाना है या लोन चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नीड बेसिकली, दैट इफ यू गोइंग टू टेक अ लोन इट इज़ पार्ट ऑफ योर नीड। इट इज़ नॉट एनी लाइक कि आप सिर्फ ऐसे ही या कोई लोन ऐसे नहीं ले लेता अपने शॉप के लिए, किसी की ज़रूरत होती है तभी लोन लिया जाता है। यहाँ पे किस तरीके की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या है, आप सैलरीड हों चाहे आप सेल्फ-एम्प्लॉयड हों, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का सेगमेंट एक अलग डॉक्यूमेंट का सेगमेंट होता है जो बहुत ही विस्तृत और बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी लोन को लेने के लिए। ये सब यूनिफाइड प्रोसेस है। मैं आपको आज समझाता हूँ कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को, स्पेशली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में बार बार इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चार तरीके के विभाजित होते हैं सेगमेंट में। पहला KYC, दूसरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तीसरा बैंकिंग सेगमेंट और चौथा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी तरीके के लोन को प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करूंगा जो कि एक सैलरीड प्रोफाइल के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 से 6 महीने तक की सैलरी स्लिप आपसे मांगी जा सकती है। सैलरी स्लिप एक नॉर्मल ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो कंपनीज करती हैं। सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। सैलरी स्लिप आपको दी जाती है ऑटोमेटेड प्रोसेस पे, जिसमें एक ब्रीफिंग होती है, आपका HRA, आपका बेसिक, आपके कन्वेंस, आपका मेडिकल अलाउंसेस, और दूसरी तरफ होते हैं डिडक्शन जैसे PF, जैसे टैक्स, जैसे और कोई लोन आपने लिया हो या कोई भी तरीके का रिटायरल्स जो आपके डिडक्शन में आता हो। तो ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी और आपका नीचे वो वर्ड्स में लिखा रहता है विद डिजिटल सिग्नेचर। आजकल डिजिटल सिग्नेचर में सैलरी स्लिप आती है। तो ये सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट है। सैलरी सर्टिफिकेट एक अलग फॉर्मेट है जो कि कंपनी नॉर्मल तरीके से इशू नहीं करती, हर महीने इशू नहीं करती। अगर आप लेने जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो ही वो आपको मिलेगा। तो सैलरी सर्टिफिकेट एक लेटर हेड पे बना हुआ एक फॉर्मेट होता है कि दैट आई एम नर्सिटेज नारायण वर्किंग एज दिस डेस्टिनेशन फ्रॉम दिस टू दिस पीरियड और विद द डेसिग्नेशन एंड द मंथली सैलरी ब्रेकअप आर एस फॉलोज। ये उसमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपसे बात करता था। इसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं होती कि आपकी सैलरी का ब्रेकअप क्या है। तो ये सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट में ये फ़र्क है। अलावा इसके फॉर्म 16 देखिए, जब आपकी सैलरी एक साल पूरा हो जाता है या एक साल ना भी पूरे, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी सैलरी एक कंपनी आपको पे करती है उसका टैक्स कंपटेंट आपको वो फॉर्म 16 में भर के देती है, जिसे आप इनकम टैक्स में देते हैं और उसी से वो फाइल किया जाता है। ये कंपनी की डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह होता है जो कि आपको दिखाया जाता है कि आपकी फॉर्म 16 यानी कि एक फॉर्म है जो इनकम टैक्स में एक्सेप्टेबल है, एम्प्लॉयर द्वारा जो एम्प्लॉय को दिया जाता है कि इसके बेसिस पे आप अपना टैक्स भर सकते हैं। तो फॉर्म 16 में आपकी सैलरी स्लिप मतलब पूरी महीने की या पूरे साल की जो भी सैलरी है वो टोटल कंपोनेंट होता है, इस पर आप टैक्स भरते हैं। ये 3 साल की रिक्वायरमेंट है। ITR विद कंपोनेशन ऑफ इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फॉर्म 16 से जब आप ITR भरते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सैलरी के अलावा भी कुछ अदर इनकम्स होती हैं जो हमें फॉर्म 16 में नहीं दिखती, उसके लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न और कंपोनेशन ऑफ इनकम की डिमांड रख सकते हैं।
कंपटीशन ऑफ इनकम एक इनकम टैक्स के पीछे की एक ऐसी कैलकुलेटेड पेज होता है जिसमें आपकी टोटल इनकम जहां जहां से भी आई है उस पर एक टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उसको हम कंपटीशन ऑफ इनकम कहते हैं कि जो इनकम आपकी आ रही है उसको कंप्यूट, उसकी गणना करना। अब वो सैलरी फॉर्म सोना से भी हो सकती है, आपके इंटरेस्ट की भी इनकम हो सकती है, आपको कोई अदर इनकम अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है उससे भी इनकम आ सकती है, तो पूरा ब्रीफिंग उसमें होता है। इसलिए कंपटीशन ऑफ इनकम इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ मैंडेट प्रोफाइल है अगर आप लोन लेने जाते हैं तो। नेक्स्ट है फॉर्म 26AS। जैसे कि आपने देखा कि जब हम TDS कटवाते हैं, हमारा एक सैलरी में से जब एक टैक्स कटता है तो वो कहीं ना कहीं इंप्लॉयर जमा कराता है इनकम टैक्स में, उसकी कैलकुलेशन फॉर्म 26AS में आती है। आप कोई भी TDS कहीं से भी आपका कट रहा होगा आपके पैन नंबर पे, तो वो फॉर्म 26 के अंदर कैलकुलेटेड होके आता है। इसलिए फॉर्म 26AS की भी डिमांड की जाती है कि वो कहाँ कहाँ से आपका टैक्स कटा है, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दो जगह से सैलरी ले रहे हो। वैसे मुझे कभी मिली तो नहीं है, लेकिन अगर मिले तो अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, पीएफ अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ। देखिए, अगर प्रोविडेंट फंड आपका कट रहा है तो कुछ बैंक्स या लेंडर्स आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप उनको 12 महीने का या जब से आपका पीएफ कट रहा है तब से लेके अब तक का प्रोविडेंट फंड का स्टेटमेंट दीजिए कि वो हर महीने कट रहा है नहीं। ये उस कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में मांगा जा सकता है जब आपका टैक्स ना कट रहा हो या कंपनी की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक वायबिलिटी होती है, वो उस मैनर्स में या उस मानक पे ना आ रही हो जो बैंक्स या जो भी आपको लोन देने वाली कंपनी है उसके स्टैंडर्ड में वो खड़ी उतरी हो। तो हम ये देख लेते हैं कि एक पीएफ जो एक सरकारी संस्था है उसके पास आपका पीएफ इकट्ठा हो भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि पीएफ सैलरी में दिख रहा हो लेकिन पीएफ अकाउंट स्टेटमेंट में ना दिखे, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल झाल है। इसलिए उसको वेरिफिकेशन क्रॉस चेक करने के लिए आपसे पीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। कोई भी लोन, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी में आप 1 साल या 2 साल बाद कंडीशनली लोन ले सकते हैं उसी कंपनी से जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा लोन चल रहा है तो आपकी सैलरी में हर महीने की डिडक्शन दिखती है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए बैंक और लैंडर्स आपसे आपकी लोन की स्टेटमेंट जो आपने अपनी कंपनी से लिया उसकी स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि वो एक्चुअल में लोन कितना लिया था, वो हर महीने कट रहा है, जाहिर सी बात है कट ही रहा होगा, तो कितना टाइम कट चुका है और कितना रह गया है। तो इसकी इस असेसमेंट कैलकुलेशन के लिए वो आपसे आपकी ये 12 महीने की लोन की अकाउंट की स्टेटमेंट मांग सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी। ये एक ऐसा टूल है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सैलरी प्रोफाइल के लिए जो मांगा जा सकता है जब आपकी ये देखना हो कि एक्चुअल में आपकी जो सैलरी है या जो आपकी जॉब की कंडीशंस है वो क्या क्या है। कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं जो लोन देते समय या लोन की रिकवरी करते समय बैंक को कॉन्ट्रेडिक्ट करे। देखिए, अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करता हूँ या मैं किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेरे लिए कभी भी कोई ऐसा कंडीशंस हो सकती है कि मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकता था, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं भारत में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ये लिख के देते हैं कि अगर आपको पैसा या लोन लेना है तो आपको रिटर्न में हमसे परमिशन लेनी होगी या आपको अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर से इसकी जानकारी शेयर करनी होगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो बैंक लैंडर्स वो देख सकता है स्पेशल कंडीशंस में कि कहीं ऐसा तो आपकी कंपनी ने नहीं मांगा या उन्होंने बोला हो कि ज्वाइनिंग करने के 2 साल तक या 3 साल तक आप किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकते, या अगर ले सकते हैं तो ये उसकी कंडीशंस क्या हैं। इन्हीं चीज़ों को परखने के लिए वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स मांग सकते हैं। ऐसा तब कंडीशन में होता है जब आप किसी एक विशेष कंपनी या संस्था से जुड़े हों जिसमें बैंक और लैंडर्स कोई जानकारी हो कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो सकती हैं या आपकी प्रोफाइल ऐसी हो जो थोड़ा सा रिस्की हो, तो बैंक उसमें कंडीशन वेरिफिकेशन करने के लिए ये तरीके से पेपर की जांच कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इतने ही थे जो सैलरी प्रोफाइल के लिए हमें देखने पड़ते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आशा करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।